लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुशु। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबर सिहोरा बिजनौर से है। जानकारी के अनुसार नगर में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने चावल की फैक्ट्री में चोरी की घटना हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही पत्रकार पहुंचे थाने समाचार के प्रति, परंतु अगले दिन पुलिस द्वारा मामले का समाधान किया गया। पीड़ित से 10,000 की रिश्वत लेकर इसके बाद भी पुलिस का दिल नहीं भरा। पीड़ित से मांगी गई इलाज के नाम पर बड़ी रकम, जो पीड़ित ने देने से साफ इनकार किया। पुलिस आक्रोशित हुई और पीड़ित को मारा पीटा गया। दिखाते हैं पूरी खबर। बता दें कि पुलिस अधिकारी को गुस्सा आ गया और पत्रकार से अभद्रता यानी गाली गलौज कर डाली। पत्रकारिता पर सवाल उठाया, पत्रकार के चरित्र पर दाग लगाया, दलाल तक बोल डाला। तभी पत्रकार किसी तरह थाने से बाहर पहुंचा और कुछ पत्रकारों को आपबीती सुनाई, जिस बात से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। उस्मानी ने अपने संगठन केंद्रीय मीडिया हेल्पलाइन एसोसिएशन के पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। वो चिंतित हो गयी और जब संगठन द्वारा फोन कर थाना अध्यक्ष से मामले की जानकारी मांगी, तो थाना अध्यक्ष ने हिटलर शाही दिखाते हुए पत्रकार इमरान उस्मानी के विरुद्ध दलाल शब्दों का इस्तेमाल फोन द्वारा किया, यानी पत्रकार के सम्मान को चोट पहुंचाई, जिसकी ऑडियो ग्रुप में चल रही है। हजारों पत्रकार व जनता के सामने हैं, जिससे हाथ धोकर पत्रकार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। थाना अध्यक्ष के विरुद्ध दे डाली उच्च अधिकारियों को इंसाफ के प्रति तहरीर और मांगा अधिकारियों से इंसाफ। देखना है कि क्या पुलिस के उच्च अधिकारी पीड़ित पत्रकारों को इंसाफ दिला पाएंगे या प्रशासन थाना अध्यक्ष की करेगा मदद। वहीं पीड़ित का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम मजबूर होकर तारीख 10 दिसंबर 2020 को थाने पर धरना देंगे। इसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो पत्रकार करेगा थाने पर आत्मदाह। प्रशासन इस ओर शीघ्र ही ध्यान आकर्षित और पीड़ित को इंसाफ दिलाएगा। हम इमरान उस्मानी, पत्रकार, जिला बिजनौर, कस्बा सिहोरा। आप तक न्यूज चैनल टीवी को जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा थाना अध्यक्ष सिहोरा के द्वारा बहुत ज़्यादा चरित्र खराब किया गया है, हमारा अपमान किया गया है। हम देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, चौथा स्तंभ हैं। हमें दलाल शब्द और गाली गलौज उल्टे उल्टे शब्द से बोला गया है थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ के द्वारा, जिसकी हमने जानकारी सभी पत्रकारों को दी है। सभी पत्रकारों में रोष है और हमारी तबीयत इस समय ख़राब हो रही है। हमें बहुत ज़्यादा इसका सदमा लगा है। हमारा इन्होंने मान सम्मान खराब किया है सभी के सामने, और हम उच्च अधिकारियों से, शासन प्रशासन से मांग करते हैं। हमने लेटर वगैरह भेजे हैं सभी उच्च अधिकारियों को, हमारी मदद करें और थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ पर कार्रवाई करके इनको जेल भेजें, क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति जिसके घर चोरी हुई थी सोहरा में, उनसे रिश्वत ली है, जिसकी हम गवाह हैं। थाना प्रांगण में कैमरे चालू हैं, उसकी जांच कराया जाए और उसी को लेकर, जानकारी को लेकर हम सावर्तता गाली गलौज की है। जब हमने जानकारी ली कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हम सभी पत्रकारों से और शासन प्रशासन से मांग करते हैं, यानी कि हमें इंसाफ मिले और हमारी समस्या का समाधान हो। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। नमस्कार।